नमस्कार दोस्तों, टेक्निंटा यूट्यूब चैनल में मैं वैभव आप सलों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं लुमिनस की तरफ से आने वाला लुमिनस का पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल का। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो लुमिनस कंपनी का सोलर पैनल पीवे मॉड्यूल, ये आप देखेंगे तो 330 वॉट का सोलर पैनल है। तो आज हम लोग इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले इस पैनल का। जैसे कि आप जानते हो कि जो लुमिनस कंपनी है सोलर पैनल बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है, और जैसे कि आपको पता ही होगा कि लुमिनस के बहुत सारे प्लांट्स है, उसमें से आप देखेंगे तो 7 से ज़्यादा प्लांट इंडिया में अवेलेबल है लुमिनस के। तो आज हम लोग लुमिनस का सोलर पैनल का अनबॉक्सिंग करने वाले। जैसे कि आप बात करेंगे लुमिनस में दो टाइप के सोलर पैनल आते हैं, जैसे कि मोनो पर्क सोलर पैनल और आप जैसे कि देख रहे हो ये है पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल। तो इस तरह से दो पैनल आपको लुमिनस में देखने को मिल जाते हैं। तो आज ये हम लोग जो अनबॉक्सिंग करने वाले ये सोलर पैनल है पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल। तो ये जो सोलर पैनल है लुमिनस का सोलर पैनल, जब आप खरीदते हो तो आपको एक अच्छी पैकेजिंग के साथ देखने को मिल जाता है। 5-layer रेयरिंग आपको इस पैकेजिंग में देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ इस सोलर पैनल को आपको कॉर्नर प्रोटेक्टर भी मिल जाता है, तो इसमें आप ट्रैवलिंग में या ट्रांसपोर्ट में इसको डैमेज होने से बचाता है। तो आपको एक अच्छी पैकेजिंग भी लुमिनस के इस सोलर पैनल के साथ मिलती है। तो इस पैनल की आपकी वारंटी की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 25 साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है, और कंडीशन अप्लाई भी लिखा है। जैसे कि आपको इस पैनल के साथ 12 साल की वारंटी आपको इस पैनल की मिलती है, और बाकी जो बची हुई वारंटी है वो आपको इसकी परफॉर्मेंस वारंटी मिलती है। मतलब आप देखेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस की वारंटी आपको करीब 25 साल की पूरी वारंटी मिलती है, लेकिन 12 साल की वारंटी इस आपको पैनल की देखने को मिल जाती है, और बाकी बची हुई आपको परफॉर्मेंस वारंटी लुमिनस आपको देता है। और इस पैनल की एक खासियत की और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पैनल है ये आपको BIS सर्टिफिकेशन के साथ आता है। जैसे कि आप देखेंगे तो इंडियन जो गवर्नमेंट है ये आपको कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर आपको ISI मार्क देता है, उसी तरह से आपको ये जो पैनल बनाने वाले कंपनीज होती है उनके सोलर पैनल को यहाँ पे सर्टिफिकेट देता है इंडियन गवर्नमेंट, उसको बोला जाता है BIS। तो BIS सर्टिफिकेशन के साथ ये पैनल आपको आता है, तो आपकी इसकी क्वालिटी और टेस्टिंग का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी अच्छा पैनल आपको ये देखने को मिलने वाला है। तो आज हम लोग इस जो पैनल है इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और पूरे डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि ये पैनल की क्वालिटी कैसी है और इसमें क्या क्या फीचर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं, और ये कितना बड़ा पैनल है आप अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको पता चलने वाला है। तो चलिए अभी हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इस पैनल का अभी हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे, और इसको खोलने के लिए आप देख सकते हो आपको यहाँ से खोलना पड़ेगा या नीचे से खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओपन करने के लिए सिलेंडर दिया है, उसको निकाल के आपको सिंपली यहाँ से खोल देना है और पैनल सीधा उस तरफ आपको खींचना है, तो ये पैनल बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको ये बाहर निकलेगा। तो अभी हम लोग इसको पूरा बाहर निकालते हैं और मैं आपको बताता हूँ पैनल किस तरह से देखने को मिल जाता है। तो अभी आप देख सकते हो हमने इस पैनल का ओपन किया है, और आपको जैसे कि देख रहे हो सामने आप देख सकते हो ये जो पैनल है इसमें आप ये जो सेल लगे हैं ये 72 सेल है। जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा पैनल है, आप देख सकते हो नीचे से ऊपर तक आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा पैनल है ये, और इसमें 72 सेल लगे हैं, और इसमें आप देखेंगे तो पॉली क्रिस्टलाइन पैनल है ये। और इसकी खासियत की बात करें दोस्तों तो इस पैनल में आपको NTPID टेक्नोलॉजी मिलती है देखने को, जो कि आप ये जो सेल है ये जो चार्ज होते हैं उसमें से जो भी करंट मतलब इकट्ठा होके आपके इन्वर्टर तक पहुंच जाता है, तो इसमें जो लीकेज होता है उसको बचाता है ये NTPID टेक्नोलॉजी, और आपको एक प्रॉपर करंट आपके इन्वर्टर तक पहुँच जाएगा। तो ये इसकी खासियत है NTPID टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हो फ्रंट तरफ से कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। और अभी हम लोग इस पैनल की बैक साइड की बात करेंगे कि बैक साइड पे आपको किस तरह से देखने को मिल जाता है। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों अभी हमने ये पीछे वाला साइड है इस पैनल का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ा सा आपको लुमिनस का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पे कुछ करंट की रेटिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट रिपोर्ट भी आपको लुमिनस इसके साथ देता है, इसका परफॉर्मेंस आप जान सकते हो। उसके साथ आपको यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जंक्शन बॉक्स मिलता है, और इसमें आपको 1 मीटर का एक केबल मिलता है, दो कनेक्टर यहाँ पे। और उसके साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक जैसे कि आप देख रहे हो वारंटी का एक आपको मिल जाता है वारंटी कार्ड। तो इसमें आप देखेंगे आपको पीछे की तरफ जैसे कि आपको AAA बैक सीट क्लास मिलता है, उसके कारण ये जो पैनल है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आपको आता है। तो इसमें आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, और ये देख सकते हो आपको चारों तरफ आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम का यहाँ पे
पूरा इसकी बॉडी बनाई है। और यहाँ पे आपको माउंट करने के लिए स्टैंड के ऊपर जब आप पैनल का इंस्टॉलेशन करते हैं उसके लिए भी उन्होंने होल्स दिए हैं काफ़ी अच्छी तरफ, चारों तरफ आपको होल्स देखने को मिल जाएंगे, तो उसके कारण आप अच्छी तरह से इस पैनल को भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो ये पैनल आपको IP67 रेटिंग के साथ आता है, इसका मतलब ये है कि इस पैनल में आपको पानी से कोई डर नहीं है, इसमें पानी नहीं जाता है, तो इस पैनल को आपको ज़्यादा बचाता है और उसके कारण आपको परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। और इस पैनल की आप देखेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। तो इसमें आप देखेंगे तो IP67 रेटिंग के साथ आता है। उसके साथ साथ ये जो जंक्शन बॉक्स लगा है ये आप देख सकते हो, ये भी आपको IP67 जो रेटिंग है उसके साथ आता है। तो जंक्शन बैक बॉक्स में भी कोई पानी नहीं जाता है। और ये आप देखेंगे तो ये जो केबल यहाँ पे दी है उन्होंने, ये भी आप देखेंगे तो एक एक मीटर का आपको केबल देखने को मिल जाता है। MC4 जो कनेक्टर है ये आप देखेंगे तो एक एक मीटर की आता है। और ये जो MC4 कनेक्टर है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कंपनी फिटेड आता है, तो उसके कारण इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट होने से आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि ये कंपनी के साथ कंपनी ये आपको फिट करके देता है। तो इसमें आप काट के जो वायर्स लगाते हैं वो काम आप देखेंगे तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये आप कनेक्टर के थ्रू आप कनेक्ट करेंगे तो इसमें शॉर्ट सर्किट की कोई भी आपको चिंता नहीं है। तो ये जो कनेक्टर ये आप देख सकते हो, तो इसमें शोल्डर करके आते हैं, तो उसके कारण कोई भी शॉर्ट सर्किट आपको देखने को नहीं मिलेगा जंक्शन बॉक्स में, क्योंकि किसी भी पैनल का जो जंक्शन बॉक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ से ही आपको ज़्यादा जो भी कनेक्शन है जो करंट यहाँ से ही निकलता है, तो ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो IP67 जो रेटिंग मिली है उसके कारण ये पैनल काफ़ी अच्छा आपको जो अगले इसकी जो लाइफ है वो बढ़ने वाली है। तो इस पैनल के ऊपर आपको एक अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है, वो है जैसे कि आप देखेंगे तो आपको सुपेरियर UVA अनकैप्सुलेशन आपको लेयर चढ़ी हुई मिलती है। उसके कारण ये जो सेल लगे जैसे कि आप देख रहे हो 72 सेल, वो सेल आपके ये जो टेम्पर ग्लास है उसको अच्छी तरह से चिपक के रखता है, उसके कारण इसमें आप देखेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस निकलता है, आपको करंट भी ज़्यादा अच्छा देता है, तो इसके परफॉर्मेंस बढ़ जाता है और लाइफ भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जो EVA टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी दी हुई है और एक अच्छी तरह से लेयर इसके ऊपर चढ़े हुए हैं, उसके कारण आपको इस पैनल का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है। और इस पैनल के ऊपर जैसे कि आप देख रहे हो ये जो ग्लास है दोस्तों, ये काफ़ी हाई क्वालिटी का ग्लास है और ये एंटी रिफ्लेक्टिंग ग्लास है, मतलब जो भी आपकी जो लाइट इसके ऊपर आने वाली है वो रिफ्लेक्ट होके आगे मतलब पीछे की तरफ नहीं जाने वाली, जैसे कि सन की तरफ से जो लाइट आती है तो ये सेल आपको अच्छी तरह से कैप्चर करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो ग्लास लगा है एंटी रिफ्लेक्टिंग ग्लास। और इस पैनल में आप देखेंगे दोस्तों तो चारों तरफ आपको एल्यूमिनियम का यहाँ पे सीलिंग मिलती है, जैसे कि आप देख रहे हो एल्यूमिनियम की फ्रेम लगी है, उसके कारण इस पैनल का जो मजबूती होना चाहिए जो कि आप देख रहे हो ये जो फ्रेम है उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो इस पैनल की जो एल्यूमिनियम की क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी है, उसके कारण इस पैनल को आपको जो अच्छी तरह से पकड़ के रखता है इस ग्लास को हो या जो सेल लगे उसको, तो उसके कारण आप अच्छी तरह से अपनी जहाँ पे भी इंस्टॉलेशन करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा फायदा होने वाला, क्योंकि अच्छी तरह से इसकी एल्यूमिनियम की फ्रेम अच्छी होने के कारण इस पैनल की क्वालिटी और भी बढ़ जाती है। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आप देखेंगे तो 72 जो सेल लगे हैं वो ग्रेड ए के सेल है, उसके कारण आप देखेंगे तो नॉर्मल सेल से भी आपको 5% ज़्यादा आपको पावर जनरेट करते हैं, मतलब इसकी जो रोशनी आती है उसकी जो जनरेट करने के सेल की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है 5% से ज़्यादा। और एक अच्छा फीचर आपको इस पैनल में देखने को मिल जाता है, इस पैनल की जो ड्रेनेज होल है जैसे कि बारिश का पानी आता है या आपके ठंड में आप देखेंगे तो मॉइस्चर आता है, तो उसके कारण वो अच्छी तरह से ड्रेनेज होता है, क्योंकि इसमें ड्रेनेज होल भी अच्छी तरह से इस पैनल के ऊपर कंपनी ने दी है, उसके कारण इस पैनल की परफॉर्मेंस और भी बढ़ जाता है और इसकी लाइफ भी बढ़ जाता है अच्छे ड्रेनेज होल देने के कारण। तो कोई भी सोलर पैनल होगा तो उसमें आप देखेंगे तो लो लाइट जो परफॉर्मेंस होता है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो हर बार तो अच्छी सन की लाइट नहीं आती, कभी कभी डार्क आती है, कभी बारिश में आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाइट जो सन की तरफ से आती है रोशनी बहुत ही कम होता है, तो इसके कारण इसमें एक जो अच्छा फीचर दिया है कि इसकी जो इस पैनल की जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा दिया है। तो इसके ऊपर जो ग्लास लगा है वो अच्छी तरह से रोशनी को अंदर खींच लेता है, रिफ्लेक्ट करके आपको पीछे इधर की तरफ नहीं फेंकता है, तो उसके कारण लो लाइट के जो परफॉर्मेंस है वो इस पैनल में आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे एक आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट अटैच करके आता है कंपनी की तरफ से, जो कि ये जो पैनल है
इसका टेस्टिंग रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहाँ पे दिया है। तो ये देख के भी आप समझ सकते हो कि इस पैनल का जो परफॉर्मेंस है वो आपको किस तरह से देखने को मिल देगा, क्योंकि ये टेस्टेड प्लानर आता है, उसके कारण उन्होंने परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, आपको पीक पावर है वो आपको 332 वाट का देखने को मिलेगा। उसके बाद पीक वोल्टेज यहाँ पे आप देख सकते हो 39 का आपको देखने को मिलेगा। पीक करंट है वो आप देख सकते हो करीब 8 एम्पियर मिलेगा। शॉर्ट सर्किट करंट आपको 9 एम्पियर मिलेगा। ओपन सर्किट वोल्टेज है आपको 45 वोल्ट मिलेगा यहाँ पे। उसके साथ मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 और वी लिखा है। उसके साथ एप्लीकेशन क्लास की बात करें तो एक क्लास आता है, और मैक्सिमम ओवर करंट रेटिंग आपको यहाँ पे 15 एम्पियर की मिलती है, और कंट्री आप देखेंगे तो इंडिया है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट आता है। तो दोस्तों अभी हमने इस वीडियो में जो अनबॉक्सिंग और एक और भी दिया मैंने लुमिनस की तरफ से आने वाला लुमिनस का 330 वॉट का पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल का, तो जैसे कि आपने देखा कि इसमें बहुत सारे ढेर सारे फीचर दिए हैं कंपनी की तरफ से। उसके कारण अगर आपको एक अच्छा सोलर पैनल लेना है तो आप इस सोलर पैनल का चॉइस कर सकते हो, क्योंकि ये जो पैनल है वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी के साथ आता है। इसका ग्लास अच्छा है, सेल भी अच्छे है, तो पूरा डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। तो इस पैनल को दोस्तों आपको खरीदना है तो आप लुमिनस के नज़दीकी आपके जो डीलर रहते हैं सोलर पैनल बेचने वाले, उनके पास जाके आप इस पैनल को परचेज कर सकते हो। अगर इसको ऑनलाइन खरीदना है तो उसका लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। तो उम्मीद करूँ दोस्तों आपको ये जो अनबॉक्सिंग वीडियो था और एक और भी था इस लुमिनस का पैनल का, वो आपको पसंद आया होगा। अगर लुमिनस के बारे में, इस पैनल के बारे में और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट से मुझे लिख के आप जरूर बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मैं वैभव मिलता हूँ किसी नए अपडेट्स, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।